जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जमकर राजनीति हो रही है। नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और ताजा मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में जयराम रमेश को गांधी परिवार का दरबारी करार दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। दरअसल सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले 10 सालों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर भारी विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जून 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने से महिलाओं के लिए 10 साल का न्याय खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 सालों से WCD मंत्रालय ने केवल अक्षमता, उदासीनता और महिला विरोधी मानसिकता देखी है। कांग्रेस के आरोप के बाद स्मृति ईरानी भड़कती हुई नजर आई और सोशल मीडिया पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मूर्ख दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं तो वो वास्तव में दर्शाते हैं कि वह कितने मूर्ख हैं। स्पष्ट उत्तराधिकारी के साथ एहसान करने की एक जबरदस्त और कुछ हद तक दयनीय कोशिश में एक निश्चित दरबारी ने अनजाने में अपनी स्पष्ट अक्षमता को उजागर कर दिया। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने आगे लिखा कि लंबे समय से वंशवादी शासक और उनके उत्तराधिकारियों ने देश की संपत्ति लूटने का काम किया है। अब उसी शासक के दरबारी महिलाओं के कल्याण के लिए BJP सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और आंकड़ों में हेरफेर करके लोगों को सही तथ्यों से भटका भी रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि बौद्धिकता की आड़ में गुमराह करने वाले प्रयासों के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की भूमिका और जनादेश की शर्मनाक व्याख्या की जा रही है। उनका यह बयान उनकी लापरवाही को और उनकी अज्ञानता को जगजाहिर करता है, खासतौर पर BJP सरकार की ओर से नारी शक्ति के लिए किए गए अहम कार्यों के मामले में। और आखिरी में उन्होंने कहा कि अयोग्य दरबारी NCRB के आंकड़ों पर पर्दा डालते हैं और मोदी सरकार की पहलों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करते हैं, जिन्होंने महिलाओं को साहसपूर्वक अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने बयान में उन्होंने निर्भया फंड का भी जिक्र किया। वह UPA द्वारा निर्भया फंड की स्थापना को स्वीकार करते हैं और फिर भी इस स्पष्ट तथ्य को आसानी से छोड़ देते हैं कि 2014 तक इस फंड से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया था। 2014 में मोदी शासन के तहत निर्भया फंड के माध्यम से देश भर में कुल 40 परियोजनाएं शुरू की गई। वित्त वर्ष 2023-24 तक कुल 7212.85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनमें से 75% पहले ही हो चुका है और इसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित पहलों पर किया गया है। बहरहाल अब देखना है कि इस मामले में आगे और अपडेट क्या सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए 1 इंडिया हिंदी।